हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड जो ईवीएस की बुक होती है उसका चैप्टर फर्स्ट, गोइंग टू स्कूल। इसकी वर्कशीट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इस वर्कशीट में डाले हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है और चैप्टर है अच्छे से रिवाइज हो सके। इसके अलावा आप फोर्थ क्लास की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। पहला है बंबू ब्रिज। सो बंबू ब्रिज हमारा कहां पे यूज करते हैं? आसाम में। तो ये ऑप्शन जाएगा आसाम के साथ। ट्रॉली, ट्रॉली हम कहां पे यूज करते हैं? लद्दाख में। तो ये ऑप्शन जाएगा ई वाले के साथ। वलम यूज किया जाता है केरला में, ये एक होती है वुडन नाव। कैमल कार्ट, कैमल कार्ट यूज किया जाता है राजस्थान में। जुगाड़, जुगाड़ को हम यूज करते हैं गुजरात में। और रॉकी पथ होता है हमारा उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इन डेजर्ट वी राइड इन अ ब्लैंक टू रीच स्कूल। देखिए डेजर्ट जो है यानी कि राजस्थान में, सो वहां पर हम यूज करते हैं कैमल कार्ट। एक बार मैंने सोचा कि आप लोगों को ऑप्शन दे देती हूँ, फिर मैंने सोचा फोर्थ क्लास की वर्कशीट है, बच्चे बड़े हैं तो खुद से ही ट्राई करें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट है, इन ब्लैंक वी रीच स्कूल थ्रू माइल ऑफ स्नो। तो यहां आ जाएगा हमारा नॉर्थन हिल्स। क्या आएगा हमारा? नॉर्थन हिल्स। नॉर्थन हिल्स। आइए सी देखते हैं। इट साउंड फट फट व्हेन इट रन, इट इज कॉल्ड जुगाड। ये गुजरात में यूज किया जाता है जुगाड़, बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए। और ये जुगाड़ क्या होता है? बाइक के साथ पीछे कुछ ऐसा सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, मतलब बाइक से, और जो साउंड आती है वो आती है फटफट की। ग्रुप ऑफ सेवन एट गर्ल्स राइड टू रिच देयर स्कूल। तो यहां पे आ जाएगा बाइसिकल राइड, बाइसिकल राइड। इन लद्दाख चिल्ड्रन रिच देयर स्कूल थ्रो। तो लद्दाख में कहां से कैसे जाते हैं बच्चे? थ्रो ट्रॉली, ट्रॉली के द्वारा वो है जो है स्कूल जाते हैं। अनजम्बल द वर्ड्स विच इज यूज बाय चिल्ड्रन टू रिच देयर स्कूल। तो पहला देख के आपको समझ में आ गया होगा, पहला लिखा हुआ है ट्रॉली, दूसरा है बैम्बू ब्रिज जो कि आसाम में यूज किया जाता है, यहां पे ये स्पेलिंग लिखी हुई है जो कि मैंने आगे पीछे लिखा है, आपको इनको अरेंज करके लिखना है। कैमल कार्ट, अनजम्बल वर्ड का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि आपको स्पेलिंग करना आ जा, उनकी जो स्पेलिंग्स है आप अच्छे से याद कर सकते हो। कैमल कार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जुगाड। अगला है हमारा ब्लक कार्ट, ये भी राजस्थान में ही यूज किया जाता है। अब है गिव योर आंसर इन वन वर्ड। जो वल्लम है, अ स्मॉल वुडन बोट इज यूज्ड फॉर रिच टू स्कूल, इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में यूज करते हैं हम भाई? केरला में। एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड्स अटैच टू द रोप नॉन एज। ये हमारा क्या है? ट्रॉली है, क्योंकि हमारी जो ट्रॉली होती है वही ओपन होती है और वो रोप के साथ जुड़ी हुई होती है। अगला है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर मेकिंग अ सीमेंट ब्रिज। तो सीमेंट ब्रिज बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो सीमेंट ही चाहिए हमें, उसके बाद ब्रिक्स, ईंटे एंड आयरन रॉड, आयरन रॉड्स। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और पानी वहां पे भरा हुआ रहता है वहां पे सीमेंट के ब्रिज बनाए जाते हैं, जिनको क्रॉस करके जो बच्चे हैं वो स्कूल में
पहुंचते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू चिल्ड्रन रीच स्कूल इन उत्तराखंड? तो कैसे पहुंचते हैं बच्चे? बाय पासिंग द रॉकी पथ्स, जो पथरीला रास्ता होता है उसको क्रॉस करके वो जो है पहुंचते हैं। जुगाड़ इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो जुगाड़ हमारा किसमें चलता है भाई? गुजरात में। गुजरात में। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस बनते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में हमें जरूर बताइए कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी, और अगर आप और चाहते हो कंटेंट तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, क्लियर लिखें, क्योंकि समझ में नहीं आता है सम टाइम कि आप क्या मतलब चाह रहे हो कंटेंट, और हिंदी या इंग्लिश, तो प्लीज आप वो भी मेंशन करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।